खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। अब जो टॉपिक है वो है हमारी, आपको पिछला प्रोग्राम याद हो तो हमारी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था एंड पे, जिन्होंने अपना एक मसला शेयर किया था। उसके अलावा मैंने 3-4 ईमेल पढ़ी थी जिसमें एक में ये था कि वो शादी नहीं करना चाहती इसलिए कि उन्हें लगता है कि बड़ा डिस्कस्टिंग, बड़ा शेमफुल किस्म का एक काम है और घर वाले और ख़ानदान चाहता है कि आप शादी कर लें। दूसरा एक ऐसी बेगम थी जो ये रिक्वेस्ट, और ये जो है ये हमने चूज़ की थी, जो सुबह भी मैं बात कर रही थी कि शौहर हैं लोगों को दिखाने के लिए एक बंदा है जो ये कहता है कि मैं इसको जिम्मेदारी लेता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, कि मैं इसकी कफालत करूँगा, मैं इसके जज्बाती और इसके जिस्मानी और इसकी मौशी ज़रूरियात जो हैं उनके लिए मैं काफ़ी हूँगा और मैं इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ना वो समझता है कि अल्लाह मौजूद है, ना वो अपने अहद की पासदारी करता है, ना वो पैसे देता है, ना वो खातून को खुश रखने के लिए कुछ कोशिश करता है, तो वो उस पर परेशान थी। और तीसरा जो था ये है कि मैं एक बंदे के साथ एंगेज हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन वो डिमांडिंग बड़ा है और वो मुझे कहता है कि किस करो, जो कि मैं समझता ही हूँ कि ठीक नहीं है। और सोने पर सुहागा ये था कि एक कॉल आई थी, अब मैं उसका आप बताएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, CEO हैं विलिंग वेस के, और आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो मेरा ख्याल आप कहते हैं कि मसाइल, तमाम अज़दवाजी मसाइल की जड़ है ये। देखिए वो जो कॉल आई थी वो बुनियादी तौर पर ये उसका लुबे लुबाव ये था कि कोई खातून है जो शादीशुदा हैं, जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर रहते हैं और जब भी मुल्क में वो वापस आते हैं खातून को घबराहट होती है कि उनको कुर्बत के लम्हात में जाना पड़ेगा, तो उनको ये कुर्बत के लम्हात में जाने का खौफ था। सही। इसकी कई तो वजूहात ऐसी होती हैं जो जिस्मानी होती हैं, जिसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी वजूहात जिस्मानी नहीं होती बल्कि नफसियाती या जहनी या पैराडाइम्स की होती हैं, कोई बिलीफ होता है, कोई अकीदा होता है। देखिए शुरू ज़माने से ही यानी इस्लाम से पहले तक तमाम मजाहब इस चीज़ के अलम्बरदार रहे कि सेक्स कोई बुरी चीज़ होती है, कुर्बत के लम्हात जो हैं अव्वल तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इनको एक्सेप्ट करना है तो फिर उसकी सिर्फ एक वजह है कि औलाद पैदा करने की हद तक। सही। और जिन्स और जिन्सी मामला जो हैं उनको हमेशा से बुरी नज़र से देखा गया। और आप कई मजहब पे नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि जो मजहब में लोग अलम्बरदार होते हैं, मजहब के नुमाइंदा होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनको ये इम्तियाज अपनी तरफ से हासिल होता है कि वो सेक्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन इस्लाम ने इसकी बजाय इंसान की फितरत के मुताबिक एक निज़ाम वज़ा किया कि जिसमें सेक्स को बिल्कुल भी नहीं रोका गया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके सिस्टम के अंदर जी। एक सिस्टम के अंदर। और अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो आपको उसके बारे में बड़े खुले अल्फाज में कुरान पाक में इंसान के जो कुर्बत के लम्हात हैं उनका तज़किरा नज़र आता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो हमसे इस मामले को खुल के बयान करता है, फरमाता है। तो हमें भी इस बारे में जो बुनियादी टैबू है कि इसको गंदा या शेमफुल या इस तरह का समझना, इस पे एक नजर सानी करनी या मुजरमाना या गलत एक एक्टिविटी समझना। अच्छा, इसमें हम अपने मुआशरे को अगर देखें तो अभी भी कहीं कहीं और माजी में बहुत जगह ऐसा था कि अगरचे वालदैन अपने हाथों अपने बेटे या बेटी को ब्याहते थे लेकिन इसमें जो अनस्पोकन चीज़ होती थी वो कुर्बत के लम्हात होते थे, और शादी के नतीजे में जब औलाद होती थी तो अमूमन यानी बाप मुंह छुपाए फिरता था अपने वालदैन से, वो अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाता था। सबके सामने बीवी के साथ बातचीत ना करने का रुझान अभी भी है, बहुत सारे घरों में पाया जाता है। अगर बड़ी मर्दानगी की अलामत समझी जाती है कि बीवी को ज्यादा मुंह ना लगाया जाए। हाँ, ये चीजें जो है हमारे मुआशरे में, फिर लड़कियों को शुरू से ही जो तरबियत दी जाती है उसमें एक अनकॉन्शियसली उनको इसके खिलाफ तैयार किया जाता है, और ये वाजे नहीं किया जाता कि ये जो चीज़ है ये बुरी शादी से पहले है, शादी के बाद बुरी चीज़ नहीं है, यानी हदूदो कयूद के अंदर मुनासब वक्त पे ये चीज़ जो है बहुत या एक जायज या हलाल तरीके से एक काम जो है जो अल्लाह ताला ने अलाउड किया है उसमें ये जस्टिफाइड है, ओके है, एक्सेप्टेबल है, और उस हद से बाहर इसका करना जो है वो गलत है और उसको गलत समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बात भी है कि ख्वातीन और हजरात में जो सेक्स का पहलू है वह बायोलॉजिकली डिफरेंट है, जिसे समझने की ज़रूरत है। अगरचे मर्द और औरत एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से अपने रुझानात रखते हैं, बायोलॉजी रखते हैं, जिस्म रखते हैं,
और मर्द में अज खुद बगैर किसी बैरूनी स्टिमुलस के सेक्स के तकाजे जागते हैं। मसलन अगर किसी मर्द को किसी जंगल में जहां उसे कभी कोई औरत नजर ना आए, जहां उसको कोई जिंसी अमल कभी नजर ना आए, रख दिया जाए तो फिर भी उसके अंदर जिंसी तकाजे 12-13 साल की उम्र से पहले पहले जागने लगते हैं। जबकि लड़की के जिस्म में ऐसी कोई बायोलॉजिकल इंतजाम नहीं है कि उसके जिस्म में कोई सेक्स के तकाजे जागे, और अमूमन लड़की जो है वो इस तजर्बे में से गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान सेक्स की तरफ होता है, या वो एक सीखने का अमल है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई हॉबी आपकी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें मज़ा आने लगता है। लेकिन मर्द का बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल्स जो कि उसे सेक्स की तरफ पुश कर रहे होते हैं, और औरत में वो नहीं होते। अच्छा, तो अब औरत में रिप्रोडक्टिव हारमोन्स होते हैं जिनसे के अफसाइश नस्ल में मदद मिलती है, और वो चीज़ें औरत में एक केमिकल्स की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में होती हैं, लेकिन बराह रास्त सेक्स हार्मोन्स मर्द में होते हैं। फिर अब ये खातून जो कॉलर थी, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, कैसे वो अपनी इस मुश्किल पे और परेशानी पे काबू पाए? कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मैनिफेस्टेशन है, जो इसके पीछे देखना चाहिए कि क्या है। जैसे सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें खुदा का वास्ता है, कि जब वो मौलवी साहब बैठे हुए पूछ रहे होते हैं कि इतने हक महर के एवज ये बंदा कबूल है, आपको तो पता होना चाहिए कि कबूल है का मतलब क्या है। कबूल है का मतलब यह है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज समबडी जिसके साथ आपका जिस्मानी, जिसके साथ आपका रूहानी, जिसके साथ आपका हर तरह का सोशल मामला जो है लिंक्ड होगा, एंड ही विल बी द वन जिसके साथ आपकी जिंदगी जो है वो आइंदा से नथी होगी और गुजरेगी। ज्यादातर लड़कियों को ऐसा कुछ पता नहीं होता, नहीं पता होता, और उनके लिए शादी इसलिए बड़ी अच्छी और मजेदार चीज है कि उसमें नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। हाँ। उसमें वो मरकज़े निगाह बनती है, हर कोई उनको सजाने की कोशिश कर रहा होता है, और उनकी जिंदगी को एक चंद रोजा अहमियत मिल जाती है जो ना उससे पहले मिलती है ना उसके बाद। आपको नहीं लगता कि माओं को ये बात बतानी चाहिए बेटियों को बिठा के, कि बेटे जिस रिलेशनशिप में अब आप एंटर हो रही हैं वो आपके वालिद साहब का नहीं है, वो आपके भाई का नहीं है। शौहर का रिश्ता जो है बीवी के साथ वो फर्क है, उसमें फर्क ही इसी चीज का है कि वो एक जिस्मानी रिश्ता होगा और उसको आपको मेंटेन करना होगा। तो उसमें आपको माएं बताती हैं, पर वो वही बताती हैं जो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि सही क्या और गलत क्या है। मसलन ख्वातीन जो है जब बच्चियों को इस बारे में बताती हैं तो वो सेक्स के बारे में बताती हैं कि ये शायद कोई मर्दों का कोई हक होता है जो रिलक्टेंटली या तोहन व करहन ख्वातीन को बहरहाल देना ही होता है, और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, ये शादी का एक हिस्सा है। इसको एक अनप्लेजेंट तरीके से कन्वे किया जाता है, और चूंकि उससे पहले एक लंबी प्रोग्रामिंग होती है जो इस अमल के खिलाफ चल रही होती है, चाहे वो शादी से पहले का अमल हो या शादी के बाद का, पर से इस अमल के खिलाफ चल रही होती है। तो जब माएँ बताती भी हैं तो इसके लिए आप मुझे बताइए, आपको मुश्किल नहीं पेश आ रही इस बारे में प्रोग्राम करते हुए? मैं सारा हफ्ता इसी बारे में सोचता रहा कि मैं कैसे बात करूंगा। हाँ। मैं कैसे बात करूंगा भाई? तो जब हमारे यहाँ एक मौजू पे बात करना मुश्किल है, वो अनडिस्कसेबल है, तो उसको डिस्कसेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो एहतमाम करना पड़ेगा ना। तो जब खवातीन अपनी बच्चियों को ये बात समझाती हैं तो इस बारे में बिल्कुल शरा के असूलों के मुताबिक बड़ी खुल के बात की जा सकती है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अल्लाह ताला इस बारे में खुल के बात करता है, और जब अल्लाह ताला इस बारे में नहीं शर्माता तो इंसान को भी इस बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारे मजहब में बहुत वाज़े तौर पर ये सेक्स के मामलात को डिस्कस किया जाता है, और बाकायदा शरा में छोटी छोटी बातों के असूल हैं, और कुर्बत के लम्हात के लिए दुआएं हैं, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि इन चीज़ों को अगर शरई हदूद में या लीगल स्ट्रक्चर में अगर आप कंडक्ट करते हैं तो आपको इस बारे में गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं। पर ये जो खातून जिन्होंने ये कहा था कि मुझे खौफ है, जो कि एक नफसियाती नौयत का खौफ है, तो ये कोई वाहद खौफ उनको नहीं होगा, अगरचे ये उन्होंने इसका जिक्र किया। अच्छा। उनको और भी छोटे मोटे फोबियाज और इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि बाथरूम अकेले जाने से डर लगता हो, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने से डर लगता हो, या एयर ट्रैवल करने से डर लगता हो। अच्छा। या कॉकरोच से डर लगता हो, लिजर्ड से डर। अच्छा, लगता उन खौफों का भी इनसे ताल्लुक है। खौफों का ताल्लुक, क्योंकि जब किसी अच्छा, को डॉक्टर साहब इसमें एक बात देखें, मुझे यकीन है कि ये बात उन्होंने कहीं और जाके डिस्कस नहीं की होगी, लेकिन लाइव टेलीफोन कॉल पे शी ब्लंटली सेड इट, इसको आप क्या कहेंगे? ये एनोनिमिटी की जो सहूलत है कि उन्होंने कॉल किया, उनको पता था
कि वो अनोनिमस रहेंगी, बेनाम रहेंगी, उनका नाम सामने नहीं आएगा। ये बात जो वो अपने किसी घर के फर्द के साथ या किसी मौसर शख्सियत के साथ फेस टू फेस डिस्कस नहीं कर सकती थी। इसका मतलब है वो किसी भी चीज को फेस करने का फियर भी उनके अंदर है। शी डोंट हैव द करेज अपनी शख्सियत के साथ फेस करने का। शी डोंट हैव द करेज टू कम अप और से कि मुझे इस मामले में ये प्रॉब्लम है या मुझे इस जगह पर ये मसला दरपेश है। इसका मतलब है कि वो चीजों को फेस नहीं कर सकती, फेस नहीं कर सकती, और उनको शादी के कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी तकाजा नहीं पता कि उसमें एक चीज मर्द के लिए ज्यादा अहमियत रखती है और दूसरी चीज खातून के लिए ज्यादा अहमियत रखती है। खातून को मोहब्बत, तहफ्फुज और हसास नौयत के मामलात में बात सुनने वाला एक हस्बैंड चाहिए, और मर्द को जो है उसमें जो प्राइमरी उसका जो इंस्टिंक्ट होता है शादी में जाने का, उसका ताल्लुक कुर्बत के लम्हात से है। और मर्द जब भी औरत से कोई बात करता है तो अगर आप उसका सब टेक्स्ट देखें, जब वो तारीफ कर रहा होता है औरत की, जब उसको खाना खिलाने के लिए कहता है कि चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए चलो, जब वो उसको लेके बाजार में शॉपिंग करता है, जेवरात लेके देता है, कपड़े लेके देता है, तो पसे पर्दा जो उसका बार्गेन होता है कि इसके बदले में मुझे भी वही मिले जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि इस मामले को आप उस खातून के प्रॉब्लम के साथ कैसे रिलेट करेंगी जो ये कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड उन्हें पैसे नहीं देते हैं और अपने ऊपर स्पेंड करना वो मुनासिब समझते हैं लेकिन उनको एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं, एंड शी इज़ लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। इससे पहले आपको याद होगा एक और प्रोग्राम में मैंने एक और खातून की ईमेल पढ़ी थी जो जॉब करती थी, उसकी जॉब छुड़वाई हस्बैंड ने कह के कि मैं लुक आफ्टर करूँगा, और उसके बाद वो उसको पैसे नहीं दे रहा और उसको घर में एक एक पैसे, एक ऐसी ज़िंदगी फटे पुरा, मतलब कपड़े नहीं, खाने को नहीं, बच्चों के लिए उस तरह से नहीं, जो उसका लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टैंडर्ड है वो कुछ और है, घर में जो फैमिली का और बीबी का है वो कुछ और है। इस मामले का उससे क्या ताल्लुक है? सरेदस तो हम कह सकते हैं कि अच्छा बड़ा अफसोस हुआ, इन खातून के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर हम पसे पर्दा मुहर्रकात की तरफ जाएं तो हमें वाजे नजर आएगा कि उस हस्बैंड को इस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद जो चीज ओरिजिनली उनके जहन में थी वो नहीं मिल रही या वो मुतमिन नहीं है, और जवाबन एज ए रिएक्शन रिटेलिएशन के तौर पर वो अखराज देने। एक वजह ये हो सकती है कि खातून जो है वो इस मामले पे नाइव है या उन्हें इल्म नहीं है, या फिर ये कि शी इज इनोसेंट इनफ के वो नहीं कोप कर पा रही है उसकी डिमांड्स के साथ या उसकी नीड्स के साथ। एक दूसरी सूरत हाल भी है जो मेरे पास मैसेज में है, ग्रेट बोल्ड टॉपिक, व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इफ योर हस्बैंड डजंट डिजायर यू, डजंट टच यू इवन व्हेन यू ट्राई एंड आस्क फॉर इट एंड हस्बैंड इग्नोर्स, देन व्हाट टू डू? दो तीन वजूहात हैं इसकी। एक वही बात है जो आप कह रहे हैं। ये एक वजह तो मर्दों के अंदर जो बारूद है जो उन्हें कुर्बत के लम्हात की तरफ धकेलता है वो मौजूद है, औरतों में ये मौजूद नहीं, उनके लिए ये एक सीखा हुआ अमल है। और दूसरी बात के तारीखी तौर पर डॉक्टर साहब, एक मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, एक बंदा है जो मतलब एक ब्रांडेड सूट पहनता है, जो महंगा परफ्यूम लगाता है, जो कीमती जूते पहनता है, जो सॉक्स पहनता है, जो बाल अपने करके कीमती गाड़ी में एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में जाता है, उसके अपने बारे में ओपिनियन और राय ना बड़ी यूं करके है, वो अपने आप को समझता है कि वो बड़ा कमाल चीज़ है, पैसा गाड़ी हर चीज़ उसके पास है, उसकी ज़िंदगी पर बड़ा हक है। उसके साथ वो खातून जिसके पास उसने आना है, जिसने उसे अट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहा, और वो खातून ऐसे कपड़ों में है या उसकी ज़िंदगी इस तरह से मिजरी में गुजर रही है कि ना तो वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रही है, ना उसे ये फील हो रहा है कि उसको प्यार किया जा रहा है, ना उसे ये फील हो रहा है कि उसको वैल्यू किया जा रहा है, तो उसके अंदर ना तो कोई उस तरह की उमंग है, ना ख्वाहिश है, ना जज्बा है, ना खुशी है, ना ही उसके पास वो आउटलुक है जिसके साथ वो उसे अट्रैक्ट कर सके। आपका क्या ख्याल है कि फिर वो खातून जो है वो किस तरह से उस तरह के बंदे को ट्रैक पर रख सकती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे नहीं होंगे उसके? बिल्कुल, मैं तीन नुकात जो कि बज़ाहिर तीनों मुख्तलिफ हैं लेकिन एक ही चीज़ पर वो कन्वर्ज करेंगे जिससे कि आपको मसला समझने में आसानी होगी। हमेशा तारीखी तौर पर ऐसे मर्दों की तरफ ख्वातीन अट्रैक्ट होती हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जो उन्हें तहफ़ दे सकें और जो अच्छे प्रोवाइडर्स हों और जो हैंडसम। शुरू में तो सारे यही देख के पेरेंट्स करते हैं लेकिन बाद में शादी के बाद अच्छा, मामला ये तो बुनियादी जी उनको सुन लूँ मैं फिर आपकी। अस्सलामुअलैकुम। मेहरबानी होगी, मेहरबानी है। गलत नहीं बोलना है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, पर आप कैसी हैं? ठीक हूँ यार, आप बताओ।
यार आप तो ऑसम है, मैं आज का टॉपिक और आपकी बोल्डनेस देख के मजा आ गया। और मतलब ये डॉक्टर साहब की बोल्डनेस है, लोग तो मतलब रियल मदर्स से रियल मदर्स ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते, और आपने इतना बोल्डली और इतना रीजनेबल वर्ड्स में इस चीज को मतलब ऑन एयर कर रही है कि थैंक यू सो मच। यार मेरे पास जितनी मेल हैं आई वांट कि खवातीन मुझे पता है ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी ना किसी और से डिस्कस करेंगी। मैं दरअसल तो ऐसा ये इसमें ये बात करना चाह रही थी कि अगर मतलब अभी जैसे डॉक्टर बात कर रहे थे कि हस्बैंड जो होते हैं वो रियल रिलेशन पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, मतलब बीवी टच कर ले या बीवी के साथ टर्म्स में उनको मसला होता है, बट बाय अच्छे थे हाई मतलब पोस्ट पे बैठे हुए बंदे ऐसा करते हैं जिनसे इंसान ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि हाई एजुकेशन में मैं अपना ओन केस भी लिटिल बिट से मैच होता है। तो उसमें अगर देखा जाए कि आप सवाल क्या करना चाह रही हो यार जल्दी से बताओ, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि मर्द जो है बेगम के साथ तो सही तरह से बात नहीं कर सकता, ये रिलेशनशिप नहीं रख सकता, जबकि बाहर जो है वो रखते हैं और इसमें जरूरी नहीं है कि इतनी हेजिटेशन करते हैं कि उनको सिंगल एक थोड़ा सा टच कर ले तो बिग हेडेक हो जाती है, लड़ाई बन जाती है। जस्ट लाइक अब देखे कि हाथ से टच कर लिया या पाँव के साथ पाँव अनकॉन्शियसली टच होते तो उसको वो एक बिग हेडेक या एक बिग लड़ाई बन जाती है। आप साथ रहो, हम इस पे बात कर रहे हैं, ये उसी खुदसरी की बात हो रही है जो मैंने आपसे की है, और मैंने ये मेल पढ़ी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा पाइल ऑफ मैंने पूरा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ मैं आपके सामने। और डॉक्टर साहब मिजरेबल सिचुएशन, मुझे लगता है पाकिस्तान के 70% मर्ज हैं वो या नफसियाती बीमार हैं या जिस्मानी बीमार हैं या एटलीस्ट वो मज़हब को नहीं फॉलो कर रहे हैं। कहते ज़रूर होंगे कि हम मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, निकाह क्या है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जब उन्होंने निकाह में खातून को लिया है उसको मेनटेन करने की। देखिए बात मैं पहले सादा सी बात जो इन खातून ने टेलीफोन किया है तो मैं इनके हवाले से मैं बात करूं जो वो नुक्ता उठा रही हैं कि बाहर अच्छे भले होते हाँ हैं घर में आते ही मौत पड़ती है हाँ। ये बुनियादी नुक्ता है ना हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप है यानी मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है उसको सबसे बड़ी बीमारी जो लगती है वो है एडवर्सेरियल रिलेशनशिप हो जाता है, दुश्मनाना सा रवैया हो जाता हाँ, है। वो क्यों होता ये आखिरी चीज दुनिया में किसी मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए कि उनके एक दूसरे के साथ जो रुझानात है रवैये हैं बर्ताव है वो दुश्मनाना हो जाए। इसलिए कभी कभी मैं ये कहा करता हूँ कि सिर्फ एक रुझान किसी मियाँ बीवी की ज़िंदगी को संवार सकता है कि वो अपने दिल में बार बार ये नीयत करते रहें कि अब अगला इंटरेक्शन जब मेरी बीवी या खामत के साथ होगा तो अगर मुझे कोई मौका मिला उसको खुश करने का तो मैं उस मौके को जाने नहीं दूंगा, हो सका तो। अब देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तें नहीं है, नियत करनी है, अगर मौका मिला अगर हो सका तो मैं उसको खुश करने का ये मौका जाने नहीं दूंगा। अब देखिए इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ एक नियत की कंपल्शन। लेकिन नियत हमेशा वो आदमी करता है जिसकी नियत साफ हो। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों जो हैं, देखिए एक बीवी शाम से इंतजार कर रही है खामत का सारा दिन से, ठीक है देर से अच्छा, आता मैं आपको बताऊं जो ही वो आता है ना तो उसका मूड जो है सुल्तान राई जैसा हो जाता है, मुंह दूसरी तरफ कर लेना और लिफ्ट ना कराना, या अगरचे सारा दिन में कोई मसला पैदा हुआ था अपनी सास के साथ या कोई जिठानी देवरानी के साथ तो खामत को बताए बगैर अपने चेहरे पे उस किस्म के नाराजगी के तासुरात पैदा कर लेना, जबकि खामत जो है वो बीवी को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता है, पैसे दिए बगैर, मतलब वो ये चाहता है कि मेरा कुछ खर्चा भी ना आए, मतलब मैं इसको कुछ अब खुशी इंसान को किन चीज़ों से आती है जब उसे लगता है खातून को बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए होती, अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है उसे सिर्फ एक चंद बोल जो है ना वो खुश कर सकते हैं। और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वेमेन हुआ वॉचिंग कह सकती हूँ कि उसको तो वो तो तख छोड़ देती है एक ऐसे बंदे के पीछे जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, इससे कि उसको ये यकीन होता है कि मुझसे प्यार करता है। हमाकत है ना कई एक दफा हमने बात की थी, मैंने बस वो दो बोल प्यार के भी नहीं होते। एक दफा मैंने बात की थी प्रोग्राम में जिसपे आपने भी बहुत रद्देमल दिया था, और वो बात ये थी कि किसी मर्द की मोहब्बत का पैमाना ये है कि वो अपनी औरत पर किस खुश दिली से कितना खर्चा करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। यानी अगर आप किसी मर्द की मोहब्बत को नापना चाहते हैं
तो आपके लिए क्लियर स्कोर बोर्ड है कि वो खर्चा कितना करता है, किस अंदाज में करता है। तो इसको अगर मैं सामने रखूं तो मैं आपको आपने रद्देअमल दिया कि नहीं, खर्चों की 70% फिर मर्द हैं वो अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। ये तो आपने बड़ी रिजर्वेशन से कहा, इससे ज्यादा। और खवातीन जो हैं वो इस बात को अगर समझ जाएं तो बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। करें क्या डॉक्टर साहब, हल क्या है? मतलब बहुत आसान हल है, एक तो अपने आप को क्लिंजिंग के एक प्रोसेस में से गुजारें जिसमें उनका नज़रिया बेसिकली सेक्स के अगेंस्ट है, और वो इसमें तारीखी तौर पर हिस्सा लेती हैं बादले ना खास्ता, किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से, और वो रस्ते में छोटी छोटी ऐसी रुकावटें खड़ी करती हैं जिनका बराह रास्त सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। साथ से आपकी नाराजगी हुई है, अब आप अपने खावत के साथ जो है कुर्बत में जाने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह से साथ से नाराजगी पे कोई भी किसी भी वजह से होता। किसी भी वजह से जब आप खावत से किसी और वजह से नाराज हैं तो आप साइलेंस या खावत से नाराजगी किस बात पे होती है कि आप बैठे हुए हैं, आपने कहा है कबूल है, तो साथ ही खातून के जहन में हस्बैंड का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो एक ऐसा शख्स होगा जो आपको गर्मी, सर्दी, धूप, मुश्किल, परेशानी, लोगों के ताने, तकलीफों सबसे बचा लेगा, और वो एक ऐसा बंदा होगा जो कहेगा मैं हूँ एक मिनट, और अगर वो कहीं भी देखेगा नाहक नाजायज़ और ज्यादती होते हुए वो कहेगा लुक ये मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं है, आप मेरी वालदा हैं, मुझे बड़ा एहतराम है आपका, लेकिन मैं ये एक नाइंसाफ़ी अपने सामने होते नहीं देख सकता। यू प्लीज़ गो टू दैट प्लेस एंड यू प्लीज़ गो देयर, इसलिए कि आई डोंट वॉन्ट कि एक गलत बात पर आप लोग करें। हमारे यहाँ 100% मर्दों के अंदर अखलाकी जरूरत नहीं है इतनी, वो ये समझते हैं कि चूँकि उनकी माँ ने बहुत कुछ सहा हुआ है इसलिए वो गलत भी कह रही हैं तो उनको हक है कि वो कहती रहें, और उनकी बीवी का फ़र्ज़ है ये कि वो हर नॉनसेंस जो है उसको बर्दाश्त करे क्योंकि वो बीवी है और वो माँ है। अब मैं ये नहीं कह रही, ये जो शादी की पहली रात ही खावंद अपनी बीवी को कहते हैं ना कि अगर मेरे माँ बाप को खुश रखोगी तो मैं खुश रहूँगा, नहीं तो मैं खुश नहीं रहूँगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी मज़हब में नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी बीवी के सर पे इस तरह की कोई तलवार लटकाएं कि मेरे घर के अफराद को तुम खुश रखो। हाँ, अगर खरीद के लाया हो तो वो जरूर ऐसा कर सकता है कि वो इस तरह की पाबंदियां लगाए, लेकिन हर मर्द लगाता है, हर मर्द लगाता है। ऐसे मर्द भी अपनी बीवियों पर, ऐसी बीवियों पर पाबंदी लगाती हैं कि जो अपने अखराजात भी खुद उठा रही। हाँ जी, और जो लव मैरिज करके लाए होते हैं बिल्कुल, उन्हें पता होता है मेरी अम्मा जो है वो नहीं राजी थी इस लड़की से शादी करने में, लड़की से उन्होंने खुद लड़के शादी की, लड़के अम्मा के सामने डाल दिया, अब तो मम्मा को खुश करो। ये तो एक पहलू है ना। दूसरा पहलू ये है कि मुझे बताएं कि किसी भी खातून को जब अपने खामत से किसी भी किस्म का कोई शिकवा हो तो क्या उसका वो खाना पीना बंद करती है? क्या उसे खाना नहीं देती डाल के? क्या उसके वो कपड़ों का इंतज़ाम नहीं करती? व्हेन इट कम्स टू सेक्स, तो सबसे पहला काम ये है कि ऐसा मूड बना लेना, ऐसा रवैया बना लेना कि खामत जो है उसको इस बारे में कुछ मुश्किलात पेश आएँ। आपका क्या ख्याल है कि भूख यानी खाने की भूख और कुर्बत के लम्हात की भूख, मर्द में दो अगर चीज़ें हों तो ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? सॉरी, मैं मैसेजेस पढ़ रही थी। भूख और मर्द की, मर्द में खाने की भूख और कुर्बत के लम्हात की भूख हो तो कौन सी भूख वो ज्यादा अहमियत देता है? जाहिर है कुर्बत के लम्हात की भूख। अच्छा, तो औरत जो है खाना तो उसको दे देती है डाल के अगर वो नाराज भी हो, लेकिन इस मामले में उसे पता है कि ये ज्यादा डायर नीड है, चूंकि वो उसकी डायर नीड्स नहीं पूरी कर रहा इसलिए वो चाहती है कि उसकी भी फिर नहीं पूरी होनी चाहिए। तो टसल शुरू हो गई ना, हो गई। देखिये, जब आप धक्के का जवाब धक्के से देंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें एक फलसफा बदलना पड़ेगा कि धक्के का जवाब धक्का नहीं होता। आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के मर्द टेढ़ी है थोड़ी सी उसकी टेढ़ रहने दो, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। अच्छा, फिर मर्द बड़े जोम से कहते हैं औरत कोई वली नहीं हुई, तो औरत वली नहीं है। वली का काम है ये कि उसको कोई काम नहीं भी उसका अपनी ख्वाहिशात से बाला तर होकर वो देखे कि उसको उसको पॉजिटिविटी की। मैं तो कहता हूँ कि हर औरत वली है, औरत के औसाफ में। देखो, वली क्या होता है, एक दोस्त को वली कहते हैं। अच्छा, आप कैसे करेंगे, खातून कैसे कर सकती है कि उसके अंदर जख्मी है, उसको अंदर से एक एक उसकी पेनफुल फीलिंग भी है, शी इज़ सैड, शी इज़ फीलिंग बैड, शी इज़ नॉट मोटिवेटेड, जबकि आप खुद ये कह रहे हैं कि सेक्स ड्राइव नहीं होती उसके अंदर, वो तो इमोशंस बेस्ड होती है। खुश होगी तो उसका दिल चाहेगा खुश करने को, नहीं है वो खुश तो वो कैसे करे? असल मसला तो फिर यहाँ पे आ गया ना कि वही जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों को भरपूर नीयत दोहराते रहना चाहिए दिन में कई बार
कि अब अगला इंटरेक्शन जो जब मेरी बीवी से मेरा होगा या खामद से, फॉर दैट मैटर जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो मैं एक्चुअली दोनों के बारे में बात कर रहा होता हूँ कि हमारे दिल में सिर्फ ये नीयत आ जाने से हालात बदल जाएंगे। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें एहतराम का पहलू मोहब्बत से भी अहम है, एहतराम का पहलू मोहब्बत से भी अहम है। ख्वातीन एहतराम के पहलू को अहम नहीं जानती, मोहब्बत को बहुत अहम जानती हैं। ख्वातीन के चाहे जाने की जो ख्वाहिश है वो इस वजह से होती है कि उनको कभी चाहा नहीं गया होता। यानी आप देखें कि दुनिया के हर तबके में जब कोई खातून इस दुनिया में आती है तो वो तकरीबन उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज मिलता है कि चलो आ गई हो तो ठीक है, लेकिन इनफैक्ट जो है हम कुछ दूसरी चीज चाह रहे थे। ठीक है ना, ये तो एक चीज कोई आप देखिए दाएं बाएं के ममालिक में देखिए, अपने यहाँ देखिए। अच्छा, आपके ख्याल में ये वजह है कि जिसके रस उसके अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश बहुत होती है। सर डॉक्टर साहब, मैं ये समझती हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहत की थी हव्वा की तो हव्वा दी गई थी उसे, तो ये चाहत जो है ये औरत की फितरत में गुंदी हुई है कि वो चाहत के बगैर मिलती नहीं है। ये मर्द की फितरत में भी है लेकिन औरत की तरजीहात में चाहत ऊपर है, मर्द की तरजीहात में कुर्बत के लम्हात थोड़ा सा ऊपर है और क्लोज सेकंड चाहत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई खातून चाहती हैं कि उनके उनका मर्द जो है वो उसको मोहब्बत से चाहता रहे, उस पर अखराजात करता रहे, तो औरत को कोई बहुत ज़्यादा कोई नहर खोद के लाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्या करें? ठीक है ना, वो सिर्फ एक दो चीज़ें हैं कि गुस्सा औरत को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, ये उसको जेब भी नहीं देता, ये उसकी जीनत के खिलाफ है। देखिए औरत का हक है कि खूबसूरत नजर आए, औरत खूबसूरत नजर आने के लिए मेकअप करती है, औरत खूबसूरत नजर आने के लिए खूबसूरत कपड़े पहनती है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये सब करके वो गुस्से में आती है तो वो खूबसूरत नजर नहीं आती। गुस्सा मर्दों को भी नहीं करना चाहिए लेकिन मर्दों का हुस्न पे दावा नहीं है, औरतों का हुस्न पे क्लेम है, हुस्न पे दावा है। तो मुझे बताइए औरतें हुसन के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, औरतें हुसन के लिए इतना रुपया पैसा खर्च करके मेकअप करके सजती संवरती हैं, तो एक औरत अपने अंदर से गुस्से को एलिमिनेट कर ले कि ये उसकी डोमेन नहीं है, ये उसकी स्पेशलिटी नहीं है। क्या करें? दूसरी चीज है कि अपने मर्द को इतनी तारीफ करे कि वो पागल ही हो जाए, मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। यानी एक मर्द के लिए उसकी अपनी औरत की तारीफ सारी दुनिया की तारीफ के बराबर है दूसरे पलड़े में। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द औरत की तारीफ ना करे, जब एक बात करते हैं तो दूसरी बात नहीं करते। तीसरा क्या करें? तीसरा ये है कि एक औरत को मर्द के उन तकाजों को समझना चाहिए जिसके लिए वो खजल ख्वार होने से भी गुरेज नहीं करता। और मर्दों को ये जो एक एंटाइटलमेंट मिली है, मर्दों को जो एक ट्रेडिशनली हक मिला है, जो है कोई नहीं, हक मिला है कि जो भी मर्द मुमताज होगा उसका एक से ज्यादा औरतों पर हक होगा। तारीख क्या कहती है? मुमताज मर्द क्या करते रहे? मुझे बताइए हमारे मुआशरे में मुमताज मर्द क्या करते रहे? यानी वो उसकी जो जिंसी जरूरियात है उनका ख्याल रखे, एक तो वो गुस्सा ना आने दे अपने आप को, दूसरा ये कि वो क्या करे? जिंसी जरूरियात का ख्याल रखने से मुराद ये है कि इसको इसको जो है पैसे ना दे ना सही, वो गालियां दे वो भी वो देगा पैसे, मसला पैसों का है ही कोई नहीं। पैसे ना देने का मतलब ये है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को किसी वजह से खसारे में समझ रहा है। असल में हम हमेशा कहते रहते हैं कि पहल दूसरा करे, खास तौर पर मियां बीवी को मैंने देखा है सारी रात लड़ते रहते हैं इस इंतजार में कि दूसरा पहल कर दे अमन कायम करने के लिए और मोहब्बत। अलीना हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाओ, बोलो अलीना। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ज्यादा वेट करवाया यार, सॉरी यार, डॉक्टर साहब की बातें फिर बीच में टूट जाती हैं। जी मैं दरअसल ये कहना चाहती थी, आप मैरिड लोगों के बारे में बात कर रही थी, मेल फीमेल जो भी है, जो आज के यूथ है या टीनएजर्स है यानी कि अनमैरिड ही होते हैं, जब वो लोग इस तरह की मूवीज या कुछ भी, अगर एक तो होता है ना गलत चीज देखना, आजकल की आम मूवीज भी ऐसी होती हैं कि ना देखें, मतलब आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो एक थोड़ी सी भटती हैं और वो एक आना के ख्वाहिश चीज की होना, इस चीज
इसके नुकसान क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या आप मीडिया से आपको पता है नजर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, अपने दिल की हिफाजत, ये तमाम चीजें जो है ये बाकायदा चैप्टर्स हैं। ये हमारा मजहब हमें बताता है कि आपके सामने आएंगी बहुत सारी बुराइयां, आपने आंख बचा के कैसे गुजरना, आपने कैसे कहना है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप सिर्फ मैरिड वुमेन के बारे में और मेल्स के बारे में बात कर रही थी ना, तो जो अनमैरिड बच्चियां या लड़के अनमैरिड लोग होते हैं कैसे अपने आप को इन डिजायर से बचा सकते? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही हैं मर्दों के लिए कर रही हैं। मसलन आज से 50-60 साल पहले भी एक मर्द की नज़र दूसरी औरत पे बहुत कम पड़ती थी और ख़वातीन का नज़र आना, ख़ास तौर पर मीडिया जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतने चैनल्स आ गए हैं और ख़वातीन जो मीडिया पे नज़र आती हैं वो सब खूबसूरत होती हैं, फिल्मों में जो ख़वातीन होती हैं वो खूबसूरत नज़र आती हैं, और आज से 100 साल से पहले का जो मर्द था उसको इन चैलेंजेस का सामना नहीं था। और वो तो अच्छा। अपनी कज़न के साथ भी बात नहीं कर सकता था, और अगर कभी आमना सामना होता था तो कज़न की वालदा कह रही थी भाई को पानी दो, भाई को 7 अप दो। अगर आप मीडिया पे काम कर रही हैं, ज़्यादातर की हिस्ट्री उठा के देखें ना और उनसे पूछें तो वो बगावत में निकली हैं, इसलिए कि दो रास्ते होते हैं। नहीं, मैं इससे मना नहीं कर रहा, मैं आपको मर्द की मुश्किलात का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि अब मर्द जो कुछ देख रहा है, पहले उसके तजर्बे में ये चीज़ें नहीं थी, उसने ये देखा नहीं हुआ था, और मर्द की जो कुर्बत के लम्हात की ख्वाहिश जागती है वो आंखों से जागती है, देखने से जागती है। ख्वातीन की ये ख्वाहिश देखने से नहीं, इस अमल से गुजरने में जागती है। तो ख्वातीन और मर्द जो जिस तरह से भी मुख्तलिफ हैं, और मर्दों के बारे में जो लानत मुलामत का जो रवैया है, इससे कोई नतायज नहीं निकलते, समझने से नतायज निकलते हैं। उसमें ख्वातीन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस अनजाने में वो कॉन्ट्रैक्ट में चली जाती हैं कि जिससे कबाख्तें पैदा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। बिल्कुल सही। यानी मैं समझता हूँ कि आज किसी भी लड़की की शादी हो, 6 महीने बाद उसको मुश्किलात का सामना हो, ये इसमें अनोखी अचंभे की बात ही कोई नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही। और अगर आप किसी प्रोग्राम में से गुजरते हैं, देखिए आप दुनिया में अब उन चीज़ों को कैजुअली नहीं करते, पहले इलाज होते थे, कोई भी साहब किसी का इलाज शुरू कर देते थे, अब आप चाहते हैं प्रॉपर डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो। कुछ मैसेजेस जो है ना डॉक्टर साहब वो आपके सामने रखिएगा। ये है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि दूसरे खवातीन में इंटरेस्ट है ना, मर्द का एक हक होता है। सो गुड, वेरी गुड, रादर 100 out of 100। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो ये है कि मैं अपनी प्रोवाइड एवरीथिंग टू माई वाइफ एंड किड्स, आई लव देम, लेकिन काम से भी वापस जाऊँ तो वो शक करती है और मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, मैं क्या करूँ? ये भी एक सवाल से हम रुकेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेके आ रहे हैं, वापस साथ रहिए। खुश आमदेद और सुबह बखैर डॉक्टर साहब, एक और मैसेज सुनिएगा। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मगर मेरे और हस्बैंड के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं उनसे कहूं भी तो वो कहते हैं कि मैं इस रिलेशन को भूल जाऊं और मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए, वो भी टेस्ट ट्यूब से। आई एम वेरी मच वरीड अबाउट इट, मुझे कोई मशवरा दें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ऐसे बहुत से मसले हैं, चूँकि ये अनस्पोकन मौजू है, और घरों में जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाचाकी होती है तो जो लोग उनके दरमियान तस्फिया करा रहे होते हैं तो वो इस मौजू को बीच में कभी नहीं लाते, क्योंकि ये डिस्कसेबल इतना है नहीं, और इस मौजू को बाईपास करके जो भी सोल्यूशंस वो ढूंढते हैं वो सोल्यूशंस कारगर साबित नहीं होते। पहली बात मैं ये कहूँगा कि जिन मियाँ बीवी के दरमियान भी अज़दवाजी तनाज़ियात होते हैं, सबसे पहले उनको अपनी पर्सनल सेरेनिटी पे काम करना चाहिए, सुकून पे काम करना चाहिए, गुस्से पे काबू पाना और अपने आप को रिलैक्स करना, चाहे उसके लिए आपको किसी कोच की या काउंसलर की मदद लेना पड़े। जब तक अहम मामलात में हम पहले पुरसकून नहीं होते, अहम मामलात को निपटाने के काबिल नहीं होते, फिर उसके बाद हमारी मालूमात, आजकल मालूमात खामोशी से भी हासिल की जा सकती हैं, जैसे इंटरनेट पे आप अपने मसले को कोई नाम देते हैं तो आपके पास बहुत सारी मालूमात आती हैं, इसलिए इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं। तो आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इंसान की बेबसी नहीं रही। फिर गुस्सा, ख़ास तौर पर, वैसे मैं सबके लिए कहूँगा कि ये हर
एक के हुसन को बिगाड़ता है, लेकिन खवातीन चूंकि हुसन के नाम पर इस जिंदगी में मकाम भी पाती हैं तो गुस्सा तो उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। नहीं, खाली हुसन के नाम पे तो नहीं पाती, वो तो एक इंसान के तौर पर भी इज्जत और तौकीर चाहती हैं। इसमें कोई शक नहीं, तारीखी तौर पर खवातीन सिर्फ हसीन भी हो तो इस दुनिया में उनका गुजारा हो जाता है। कहते हैं ना, नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, वो और तरह की खवातीन हैं, वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में पाई जाती हैं, जो सिर्फ हुसन को सेल करती हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं। मेरे इस पे तहफ़ुज़ात है, मैं आपको बताऊं कि हमेशा बादशाह, हमेशा शहजादे, हमेशा जो मर्तबे वाले लोग हैं वो जब भी ज़िंदगी में साथी चुनते हैं तो उसमें हुसन को खासी अहमियत हासिल होती है, लेकिन मर्दों को जब चुना जाता है तो हुसन पहली हैसियत नहीं रखता, पैसा रखता है, पैसा बाद में वो कमबख्त पैसे भी ना दे फिर क्या करें। मैंने तो बताया ना, यही बात है कि उसके लिए आपको अपने टारगेट, अपने नतीजे के बारे में गौर करना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आप नतीजा क्या चाहते हैं। लेकिन मियां बीवी के दरमियान ये हार जीत का खेल बन जाता है। साल हो गए हैं और हस्बैंड उनके साथ रिलेशनशिप ही नहीं उस तरह से मेंटेन करे, आपको इनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए? नेचुरली इन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, अनडिस्कसेबल को डिस्कस करना चाहिए, क्रूशियल कन्वर्सेशन करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आपके ख्याल में उन्हें अपने इस मसले को अपने वालदैन या उसके वालदैन या लोगों के सामने डिस्कस करना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका मुझे सामना है? सबसे पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन चूंकि हस्बैंड से ऐसे मौजूदात पे बात करते हुए लड़ाई हो जाती है, मियां बीवी के दरमियान जिस वजह से भी तनाज़ा होता है, दूसरी बुरी बात ये होती है कि जब वो उस वजह पे बात करते हैं तो 5 मिनट के अंदर दरवाजे बैंग होते हैं, पांव पटकते हुए लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन राइट फोरम पे बात करने की बजाय हम रॉन्ग फोरम पे जाके बात करते हैं, जहाँ से हमें सिवाए हाँ के और कुछ नहीं मिल सकता। हम ऐसी जगहों पर जाके बात करते हैं जहाँ लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाने में ही आफियत समझते हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो सच को कभी हमारे सामने नहीं लाते। तो हमें प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, जमाना बहुत बदल गया। डॉक्टर साहब, जो बंदा खाने के लिए पैसे नहीं दे रहा, कपड़ों के लिए, प्रोफेशनल के पास जाने के लिए खातून फी के पैसे कहाँ से लेके आएगी? चले इंटरनेट पे तो जा सकते हैं, कोई किताब तो पढ़ सकते हैं, उस मौजू पे आगाज तो करें, सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आगाज करना पड़ा है। नेक्स्ट, बिल्कुल मैसेज आ गया मेरे पास, यू नीड टू डू अनदर प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक, आई एग्री माई डियर। और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको कुछ किताबें खुद से बताऊंगी, कुछ बुक्स आपको डॉक्टर साहब रिकमेंड करेंगे, कुछ हम आपको वेबसाइट, कुछ जगह बताएंगे जहाँ पर आप जाकर जो बातें हम भी नहीं आपको बता सकते आप वो रीड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और इस दौरान में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो मुझे लिखिए farahat@atv.com.pk। और मैं इस खुलूस के साथ कि मेरी जो भी देखने वाली व्यूअर हैं उनको जिस लेवल पर भी प्रॉब्लम है, भले हमें थोड़ा सा उस पर बोल्डनेस अपने ऊपर तारी करनी पड़े और हमें उन बातों को डिस्कस करना पड़े, हम करेंगे ताकि आप लोग अपने मसाइल का हल जान सके। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम हो बखैर। मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।